एक सुपर स्पेशल में हम लोग इस सेगमेंट में बात करेंगे हमारी अंडर 19 टीम कब होता है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल खेलेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ. पाकिस्तान वन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड बाय 7 विकेट्स. अब ग्रीन शर्ट्स ऑफकोर्स बहुत पुरअज़म है, उनकी तैयारियाँ मुकम्मल है और खिलाड़ी इवेंट में मुसलसल दूसरी जीत के लिए फुल एक्साइटेड है एंड दे जस्ट फील वेरी गुड अबाउट इट. ये कुछ हाइलाइट्स थी इस मैच की जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं. भट्टी साहब, यू नो इट्स अमेजिंग जितना मुझे जब हमने स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच देख रही थी आई सेड ये इन लड़कों में फायर है और ये कुछ करके दिखा सकता है. आई मीन दिस इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग. अगर ये टीम आगे चल पड़ी तो बहुत अच्छा हो जाएगा. देखिए फातिमा, पाकिस्तान क्रिकेट ने दुनिया को बड़े बड़े फास्ट बॉलर दिए पास में, तो इस पहले मैच में स्कॉटलैंड के मैच में मोहम्मद वसीम जो फास्ट बॉलर था वजीरिस्तान से उसका ताल्लुक है, उसने 5 आउट किए. एक आफरीदी बॉलर है, एक और कोई, मतलब पाकिस्तान के पास अच्छे लड़के हैं. अब देखिए ये टूर्नामेंट तो इन लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिली, ये परफॉर्म कर रहे हैं. अब होना ये चाहिए कि इन लड़कों को इस टूर्नामेंट के बाद फिर इनको फॉलोअप होना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं आगे ग्रूम करना चाहिए. हमारा आलमिया ये है कि ये लड़के जाते हैं एक दो सीरीज़ खेल के फिर मंजर से गायब हो जाते हैं. जो पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप था उस अंडर 19 वर्ल्ड कप से हमने देखा ये शाहीन शाह आफरीदी हमें मिला. बाबर आजम भी अंडर 19 की प्रोडक्ट है. हारिस रऊफ ने तो कभी अंडर 19 खेला नहीं, टेप बॉल का कहीं पिंडी में 200 रुपये में मैच खेलता था. आकिब जावेद और राणा आतिफ राणा समीन इन्होंने कहीं से डिस्कवर किया और जाके इसको लेकर आए. तो मेरे ख्याल में हमारे पास अच्छे नौजवान प्लेयर्स हैं, बस इन प्लेयर्स पर काम होना चाहिए. वो कहते हैं ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब. अगर कोई वाकई अच्छा है तो उस पर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, लेकिन कुछ लड़के अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ऐसे आ जाते हैं जो हम कहते हैं ना पैराशूट से उतरते हैं और फिर अचानक गायब भी हो जाते हैं. तो ऐसे लड़कों पर पैसे लगाने से बेहतर है कि जो हमारे यूथ है, जिस तरह ये मोहम्मद जो सिस्टम से आ रहे हैं. जी हाँ, जो सिस्टम से आ रहे हैं बिल्कुल. फातिमा एक और चीज़ देखें, जो हमने डिपार्टमेंट बंद कर दिए ना, ये बहुत बड़े एक ब्लेसिंग थी. देखें ये जो गरीब बच्चे होते हैं, 99% बच्चा गरीब बच्चा आता है जिसके बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उसको जब ये डिपार्टमेंट छोटी सी नौकरी भी दे देते हैं 15-20 हज़ार रुपये की और वो अपने पैटर्न ट्रॉफी का जो ग्रेड टू टूर्नामेंट होता है उसमें खिला रहे होते हैं, तो वो एक घर को बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. मैंने कोई 10 बच्चों का ऐसे इंटरव्यू किए हैं कि जो बच्चे बच्चों ने हमें बताया कि जी कराची इलेक्ट्रिक का, मैं कराची में मिसाल देता हूँ कि शाहिद अफरीदी, सरफराज अहमद, आप असद शफीक, ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, अनवर अली, ये सारे बच्चे और बहुत से हैं, मैं कभी निकालूंगा. ये एहसान अली लड़का भी के इलेक्ट्रिक का. हाँ, ये सारे के इलेक्ट्रिक के 10-15 हज़ार की नौकरी दी, ये वहाँ से बन कर निकले. तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तान क्रिकेट को, इसको प्लीज़ ज़ाया ना होने. मगर पता नहीं इस वक्त क्या हमारे यहाँ हवा चल रही है एक तब्दीली की, तो हर सिस्टम को तब्दील कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी. अब अल्लाह करे कि यू टर्न हो जाए कोई तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. अच्छा सिक्कू भाई, एक ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक सिस्टम देखा था कि वहाँ के जो अपकमिंग यंगस्टर होते थे, हमारे अंडर 16 टूर्नामेंट भी होता है, उनको जो शेफील्ड शील्ड जो खेलने वाली जो स्टेट की टीमें होती हैं उनकी तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है. अब हमने डिपार्टमेंट्स तो बंद कर दिए, हर साल जो 4-5 अच्छे लड़के नज़र आते हैं सिस्टम में, मेरा ख्याल उनको स्कॉलरशिप देकर वो ट्रेनिंग तो करें, लेकिन जाहिर है पेट में जब तक रोटी नहीं होगी तो उसकी फैमिली भी जो है वो. भट्टी साहब, हमारे यहाँ आपको सामने ही है कि कितने लड़के हैं जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ये जो अभी सेलेक्ट हुए 10 लड़के ऐसे हैं जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले वो घर में बैठे सो रहे हैं, मतलब वो खेल ही नहीं रहे. ये हमारा सिस्टम है, इंतहा नालायक किस्म का सिस्टम है भाई. आपको इसको रिवॉर्डिंग सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर एक लड़का खेल रहा है पाकिस्तान टीम में उसको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, जो कि नहीं खेल रहा उसको फौरन हटा देना चाहिए. आप उसको महीने का टाइम दें कि भाई अगर आप कम बैक करो एक महीने के अंदर तो यू आर गोइंग टू रिटेन दिस कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज आपके पास से निकल जाएगा. ये सिस्टम होना चाहिए. अब घर में बैठ के आपको पैसे मिल रहे हो, मैं तो देखें सरफराज से मुझे हमदर्दी है कि वो उसको निकाला गया है, उसको घर बैठ के 11 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, तो भाई आप उसको खिलाओ, आप खिला नहीं रहे मगर 11 लाख रुपए उसको हर महीने दे रहे हैं, तो ये तो अजीब सा, ये पैसों का ज़िया हो गया ना, क्या उसको पैसों की कमी है क्या? आप उस लड़के को दें वो 11 हज़ार में से, ये 10 लड़के उनको अगर 1-1 लाख का भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उनका दिल बढ़ेगा.
वह पाकिस्तान टीम में आने का एक इंसेंटिव तो होना चाहिए। हाँ। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से सिस्टम ऐसे बने हुए हैं, वलायत से आने के बाद तो और भी नेक्स्ट टाइम साल के बजाय फातिमा छः छः महीने का अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कर दें, ये भी सही है, छः महीने बाद रिन्यू कर दें, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब, कमिंग बैक टू अंडर 19, अभी तो जैसे हमारा जिम्बाब्वे के साथ मैच है, स्कॉटलैंड के साथ हमारी अच्छी बिगिनिंग हो गई, फिर उसके बाद आई थिंक हमारे बांग्लादेश के साथ होगा मैच। सो अब देखना ये कि आगे वाले राउंड में पाकिस्तान किस तरह जाती है, बिकॉज फिर आगे आपके टफ अपोनेंट्स आ जाएंगे। देखिए फातिमा, बॉलिंग तो अभी भी हमारी, पहले मैच में भी 78 पे शायद आउट कर दिया स्कॉटलैंड को जी, लेकिन हमारी बैटिंग उस 78 में भी हमने 3 विकेटें गंवा दी, तो हमारी बैटिंग अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है। हालांकि रोहेल नज़ीर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, हैदर अली एक और अच्छा लड़का, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं, तो असल अब जो इस साउथ अफ्रीका की पिचेस पर इम्तहान है वो पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तहान है। आप देखें, कल रात वेस्ट इंडीज़ ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया, कल उसने इंग्लैंड को भी हरा दिया, अफगानिस्तान ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया, तो पाकिस्तान के अभी टफ मैचेस नहीं है, आगे चलकर पाकिस्तान की बॉलिंग को भी एक आजमाइश से गुजरना होगा और बैटिंग का भी इम्तहान होगा, लेकिन बड़े मैचेस मेरा ख्याल अब आ रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा तैयार होना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हम शुरू के मैच जीतकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। वैसे फातिमा, कई दफ़ा ये छोटे मैच मिल जाए ना, जैसे स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे, ये बुरे नहीं होते, इसमें बंदे आप एक्सपोज, हाँ सफाया हो जाता है ना, कहते हैं हाँ बैटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, आप अपनी लाइनअप बना लेते हैं, लड़कों को ट्रायल आउट कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, इट्स अ सम टाइम इट्स गुड फॉर यू, मगर वो एक आधा बीच में तगड़ा मैच होना चाहिए। अब हम तो अफगानिस्तान से, अंडर 19 की टीम तो अफगानिस्तान से बड़ी हारी है, लेकिन अफगानिस्तान के अगर सिकुबे लड़कों को देख लें, मुझे तो लग रहा है कि 22 साल के लड़के खेल रहे हैं, तो वो तो माशाल्लाह से कम बता आपके, अगर नसीम शाह 16 साल के हो सकते हैं तो वो सारे उसी पट्टी के हैं ना, पहाड़ के पहाड़ों पे उम्र का नहीं पता चलता, बारिश हुई थी तो पैदा हुए थे, जब पोलो बर्फ गिरी थी तो हम, मैं पैदा हुआ था, तो उसमें आप ढूंढते रह जाएं कि कब पैदा हुए, ये वही पट्टी है। इंटरेस्टिंग इज जापान बीइंग इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप, आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट द एज फैक्टर, पर चले थोड़ा सा अंडर 19, वी विश यू द बॉयज ऑल द बेस्ट, कल आपका बिग मैच है, वी विल बी वॉचिंग, और फिर आगे जाके टेलीविजन में भी आएंगे मैचेस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा तो अब हम लोग बात करते हैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम की, जो नेक्स्ट मंथ खेलेगी वर्ल्ड T20, वुमेन्स वर्ल्ड T20 जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम ने स्क्वाड अनाउंसमेंट किया, आपको अगर याद हो मैं कुछ टाइम पहले वाई चीफ सेलेक्टर अरूज मुमताज से भी कॉन्वर्जेशन की थी, एंड शी सेड ऑल सिलेक्शन विल बी फेयर एंड बेस्ड ऑन मेरिट, मगर बिग न्यूज़ ये थी कि सना मीर वॉज एक्स्ड, मगर इसके पीछे क्या स्टोरी है तो हम अपने पैनल से पूछेंगे, मगर जल्दी से मैं आपको क्विकली बता दूं कि वर्ल्ड T20 में जो टीम है वो है बिस्मा मारूफ जो हमारी कैप्टन है, जबेरिया वदूद, मुनीबा अली जिन्हें अभी पेंटेंगुलर में सेंचुरी भी स्कोर की थी और आई थिंक 2 हाफ सेंचुरीज, उसके बाद रोशन नसीम, मोहम्मद सुहेल, निदा डार, इरम, आलिया रियाज, सिद्रा नवाज, डायना बेग, एमन अनवर, अनम अमीन, फातिमा सना, सादिया इकबाल एंड रूप शाह। भट्टी साहब, जो हमें खबरें मिल रही है वो ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्शन से हैप्पी नहीं है और सोचा है कि वो पीसीबी के मतलब जाके जो बड़े हैं उनसे वो बात करेंगी या इतने एहतजाज करेंगी, कुछ ऐसी खबर आपके पास है? देखिए फातिमा, जो मेन पाकिस्तान टीम में एक सिलेक्शन रहा है वो रहा है सना मीर का, ये हमारे मेंस क्रिकेट में भी यही बात हो रही है जो हम शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ की बार बार बात करते हैं। अब जो बड़ी सीरीज़ आई, सना मीर दुनिया की टॉप की स्पिनर थी, उन्होंने इंग्लैंड की सीरीज से स्किप कर लिया फॉर पर्सनल रीज़न, और अभी ये जो टूर्नामेंट फ्राइडे को ख़त्म हुआ है यहाँ कराची में, 3 टीमें बनाई थी पीसीबी ने, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट था, उसमें भी सना मीर ने परफॉर्म नहीं किया। अब सना मीर नई बॉल करवाती थी स्पिनर होने के बावजूद, एमन अनवर गालिबन उससे उनका कॉम्पिटिशन था तो वो फार बेटर थी, तो मेरे ख्याल में किसी को अगर शिकायत है तो परफॉर्म करे, वापस आ जाए, लेकिन पीसीबी से क्या शिकायत करनी। तो अगर इम्पॉर्टेंट सीरीज़ सना मीर मिस कर रही हैं, होम जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें परफॉर्म नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा तगड़ा डिसीजन लिया है सिलेक्शन कमेटी ने, ऐसे डिसीजन मेंस क्रिकेट में भी होने चाहिए। नहीं भट्टी साहब, मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने लिया तो है मेंस में, आमिर और वहाब ने जो टेस्ट क्रिकेट से अचानक ही अलहदगी की तो उन्होंने उनको ड्रॉप कर दिया, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने सना मीर को भी किया कि वो इंग्लैंड की जो तगड़ी सीरीज थी खेलने नहीं आई,
और शायद ये वजह भी हो सकती है वो इंजर्ड हो, अगर इंजर्ड हो तो उन्हें बताना चाहिए था। वैसे बातें सिक्को यही आ रही है कि मे बी शी वॉज नॉट इन फॉर्म, मतलब उनको कुछ ट्रबल्स है, क्योंकि अभी तक सना मी की तरफ से मैंने तो ऐसी सच कुछ सॉलिड जवाब नहीं सुना। बट व्हाट डू यू फील कुड बी द रीजन? देखिए एक एज फैक्टर तो होता है, हमने मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस खवातीन की क्रिकेट के साथ, जब मैं साउथ एंड में हम कोचिंग करता था तो हम उनको मैचेस देते थे, उस वक्त से लेकर अभी मैं जब वेस्ट इंडीज़ का जो कोई 8-9 साल का टाइम की मैं बात करूं, जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमने जो मैचेस देखे थे, आप भी थी वहां पर, तो लड़कियों में जो इम्प्रूवमेंट मुझे बड़ी नज़र आई है, उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और उनके जो स्किल्स हैं वो बहुत डेवलप हुए हैं बग़ैर किसी शक के। जो हमारे पास खेलने आती थी उसमें जो हमने शुरू में मैचेस खेले थे उसमें सना मीर भी खेली थी, जवेरिया भी थी उस वक्त थी, वो अभी भी हैं, वो एक्चुअली उन फिज़िक वाइज वो बहुत छोटी सी है ना तो पता नहीं चलता उनकी उम्र का भी, और वो सारी लड़कियां जो कि पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रही सब खेली थी। तो मगर अब स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा हो गया जो मैंने नोट किया है, तो दे लुक बेटर। तो अब डू यू थिंक लोगों ने भी देर ट्राइंग टू सेट स्टैंडर्ड, बिकॉज एक टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स समझते हैं कि वो उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। और अब सना मीर को मैं यही एडवाइस करूंगा कि आई एम नॉट श्योर भट्टी साहब उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम कैसा है। जी हाँ, मेरा ख्याल में कहते हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनका है, तो अदरवाइज अगर उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है इतना तो वो चाहें तो कोच बन सकती हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद कोचिंग के स्किल्स उनके पास हैं, वो शीज एजुकेटेड, शी इज अ वेरी गुड फेस ऑफ वुमेन क्रिकेट। उनकी जो डिफेंस, मैं डिफेंस कॉलेज एक दफ़ा गया था तो उनकी बाकायदा बड़ी बड़ी तस्वीरें उनकी रोल मॉडल के तौर पे उनको वहाँ लगाई हुई हैं ख्वातीन के कॉलेज में, और बहुत अच्छी बात है। फातिमा, जब हम उरूज मुमताज़ का इंटरव्यू कर रहे थे तो मैंने सवाल भी पूछा था कि पिछले जो कोचेस थे जिसमें सभी अजहर थे या फिर चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद इलियास, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स दी थी जो लड़कियों के दरमियान ग्रुपिंग थी ना, तो मेरे ख्याल में अगर ये ग्रुपिंग ख़त्म की गई है और किसी सुपरस्टार को ऑटोमेटिक चॉइस नहीं दी गई तो ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन वो जो सिक्कू भाई बार बार कहते हैं ना कि यहाँ से अब यू टर्न नहीं लगना चाहिए, ये फिर मामलात आगे बढ़ने चाहिए, अगर वाकई सना मीर अच्छा परफॉर्म करें तो उनको ले लें, लेकिन यहाँ से अगर कहीं से फ़ोन आ गया। नहीं नहीं नहीं, मगर भट्टी साहब मैं इस बात पे सख्ती से बिलीव करता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी क्रिकेट ही खेली है, क्रिकेट के अंदर टीमों में अगर ग्रुपबाजी हो जाए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर कि वहाँ पर दो ग्रुप बन गए थे, एक साहब आके कह लेंगे जी मैं कप्तान अनाउंस होने वाला हूँ बस अब तैयारी करो, आधे लड़के उधर चले गए, एक कप्तान ऑलरेडी मौजूद था वो एक कोने में बैठा, हर एक को कोशिश कर रहा था कि मैं वो मेरे साथ हो जाए, साफ नज़र आ रहा था। तो वहाँ पे 2-3 ग्रुप बन गए थे, एक और विकेट कीपर का, एक तरह नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा यार, सब नाराज़ हो जाते हैं, विकेट कीपर साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था उस ज़माने के, तो ये 3 ग्रुप चल रहे थे उसमें। अब लड़के कंफ्यूज थे कि हम किसकी तरफ जाएं, इधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं, वो आखिर बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने कह दिया कि मैं अब कप्तान बनने वाला हूँ, मेरी बात हो चुकी है, अब सारा तितर बितर हो गई थी टीम। मगर इस किस्म की सिचुएशन अगर कोई क्रिएट करता है, चाहे वो सना मीर हो चाहे वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर हो, आप उसको दूर रखें तो बेहतर है। अगर ऐसा करता है, मुझे नहीं पता, मतलब मैं माजरत खाऊं अगर मैं गलत कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ख्वातीन की टीम में भी तो फिर जरूर आप उनको फिर दूर ही रखें। ठीक है, चले ऑन दैट नोट हम लोग ले लेते हैं ब्रेक, एंड वी विश द गर्ल्स ऑल द बेस्ट एज वेल। नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है वर्ल्ड T20 इन ऑस्ट्रेलिया, हमारी लड़कियाँ पहले से जा रही हैं, हम ट्रेनिंग भी करेंगी विच इज़ अमेजिंग, ताकि कंडीशन से वो लोग यूज्ड हो जाए। हम लोग यहाँ ले लेते हैं क्विक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे PSL की। गॉड, इट्स क्रिकेट सीजन, वी कांट गेट ओवर इट, स्टे विद अस।